लियो मूवी रिलीज होने से पहले एक मूवी का अनाउंसमेंट हो गया जिसका नाम है थलाइवा 171। और भाई इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं लोकेश कनगराज, जिन्होंने हर एक मूवी को डायरेक्ट किया है जो कि एलसीओ में आती है। तो भाई जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों में एक चीज बात फैल गया कि भाई ये मूवी क्या एलसीओ में आने वाली है। लेकिन बहुत लोग का ये कहना था कि नहीं भाई, ये मूवी एलसीओ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, क्योंकि भाई ये एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है। क्योंकि लोग का कहना ये भी है कि रजनीकांत इस फिल्म के बाद संन्यास ले लेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, इसके बाद वो कोई भी फिल्म नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई ये मूवी पूरा एलसीओ में आने वाली है, क्योंकि अगर आप इन सब के पोस्टर को देखोगे, जैसे कि इस पोस्टर को आप देख लो, फिर उसके बाद आप विक्रम के अनाउंसमेंट पोस्टर को देखो, फिर उसके बाद लियो के अनाउंसमेंट पोस्टर को देखो, आप इन सब पोस्टर को देखोगे तो आपको बहुत सारी कॉमन चीज देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसा लगेगा कि किसी ने इस पे पान खा के थूक दिया है, और इसमें ब्लड ब्लड का ही सीन देखने के लिए मिलेगा। तो ये पूरा साबित हो जाता है कि ये मूवी पूरा एलसीओ में आता है, क्योंकि उनका स्टाइल ही ये अलग है लोकेश कनगराज का, कि हम लोग को किसी चीज को रिवील नहीं करना है, सीधा हम लोग को मूवी में ही दिखाना है। तो ये स्टाइल मुझे इस डायरेक्टर का बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसका फायदा ये भी डायरेक्टर को मिलता है कि उनको बहुत ज्यादा हाइप मिल जाता है मूवी के लिए। जैसे ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि भाई लियो मूवी ये एलसीओ में नहीं आने वाली है, लेकिन लोग इसको ट्रेलर के देखने के बाद, इसको अनाउंसमेंट वीडियो को देखने के बाद भाई बहुत ज्यादा थ्योरी लगाने लगे, बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग लगाने लगे कि भाई कैसे भी इसको एलसीओ में लेकर आना है। ऐसा जो है हाइप चलने लगा, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, हर चीज लोग इसके बारे में ही थ्योरी लगा रहे हैं कि भाई ये एलसीओ में है, एलसीओ में। तो इसी चीज का एडवांटेज उठाते हैं लोकेश कनगराज, इसीलिए वो थलाइवा 171 को रिवील नहीं करना चाहते हैं कि वो एलसीओ में आएगी। ये बहुत ही सीक्रेट प्लान है। लेकिन अगर जब भी ये मूवी एक दो साल में तैयार होकर बनेगी और हम लोग देखने जाएंगे, तो भाई ये 100% गारंटी है मेरा कि ये मूवी एलसीओ में 100% आएगी, क्योंकि ये स्टाइल ही है लोकेश का। भाई लोकेश को आज तक कोई नहीं समझ पाया, वो खुद ही नहीं अपने आप को समझ पाए तो हम लोग क्या समझ में आएगा, क्योंकि वो अभी इतने सारे मूवी का प्लान करके रखे हैं कि आप उसके बारे में इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई आप एक सोच चीज के देखो कि भाई डायरेक्टर को कैथी 2 से पहले लियो मूवी को बनाना था, इसीलिए कैथी 2 से पहले लियो को तैयार किया। हाँ, इस मूवी में जल्दी जल्दी में बहुत सारा मिस्टेक हो गया, यही कारण है कि इसका सेकंड हाफ बढ़िया नहीं है। इसीलिए भाई उनको ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो कि बैडेस हो, जैसे कि लियो एकदम बैडेस कैरेक्टर है, तो वही उनको चाहिए थे। लेकिन अब उनको एक बढ़िया कैरेक्टर मिल गया है हर फिल्म के लिए, तो अब भाई एक तगड़ा यूनिवर्स बनेगा और भाई ये सब मिलकर रोलेक्स से लड़ेंगे। तो भाई ये बहुत ही तगड़ा यूनिवर्स बनने वाला है, तो भाई आप इसके लिए रेडी रहो और जितना भी मूवी आ रहा है उसको आप एंजॉय करो। भाई मैं तो पर्सनली इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितने ज्यादा हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और भाई चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर दो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को ध्यान से लाइक कर देना। तो भाई मिलता हूँ इस वीडियो में।